मेरा पहला प्रणाम तिरंगे के लिए और दूसरा आप सभी के लिए। मेरा जो विषय है वो है बहुमत की सरकार, मेजॉरिटी। 71 साल आज़ादी के, 16 लोकसभाओं का गठन हुआ, 11 लोकसभाएं ऐसी थी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और ये हम हैं भारत। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने ये निहित किया कि चुनी हुई सरकार 5 साल तक आपकी सेवा करेगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर 11 लोकसभाएं वक्त से पहले भंग कर दी गई? ऐसा क्या हुआ कि 11 में से 7 लोकसभाएं जो भंग की गई उसका एक मुख्य कारण था कोअलेशन गवर्नमेंट, पार्टीज ने सपोर्ट खींच लिया, सरकार गिर गई और आपको चुनाव में झोंक दिया गया। क्या आप जानते हैं चुनाव का खर्चा कितना आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 2014 की रिपोर्ट, सरकारी खर्चा 4,000 करोड़। सेंटर मीडिया फॉर स्टडीज की रिपोर्ट, अनुमानित खर्चा 35,000 से 40,000 करोड़, जो हमारे देश के इस चुनाव को अमेरिका के बाद दूसरा सबसे महंगा चुनाव बनाते हैं। इतना खर्चा हमारे चुनाव पर, 7 बार पार्टीज की गलती की वजह से। लेकिन क्या पार्टीज की गलती थी? उनका काम है राजनीति करना, गलती किसकी थी? आपकी, हमारी, क्योंकि हम विफल हुए एक बहुमत की सरकार देने में। लेकिन क्या सिर्फ चुनावी खर्चा एक मुद्दा हो सकता है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार चुने? शायद नहीं। तो फिर क्या वजह हो सकती है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1978 के अंदर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, पहला दूसरा डिमोनेटाइजेशन उस वक्त हुआ। उसके बाद कई रिपोर्ट्स आई कि देश को एक और डिमोनेटाइजेशन की जरूरत है, नहीं हुआ। क्यों? GST, आपको अगर मैं बताऊं कि GST की सही जो नींव थी वो 1985 में गिरी गई थी, 1985। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, VP सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे देश के, और उस वक्त उसे मोद वैट कहा जाता था, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। इतने साल हो गए, रूप बदला, चीज़ें बदली, लेकिन GST लागू नहीं हुआ। क्यों? 1971 भारत पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट डाला। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक, डिमोनेटाइजेशन, GST, ये मुद्दे क्यों? क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो सरकार खुद अस्थायी है, जो सरकार खुद असुरक्षित है, जो सरकार हमेशा अपने आप को बचाने के लिए कहती है, वो आपकी सुरक्षा क्या करेगी? सोचिए। अंत में, क्योंकि समय की बाध्यता है, सिर्फ 2 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। 1, आप बड़ी मेहनत से अपना धन अर्जित करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने घर में ज्वेलरीज रखते हैं, पैसा होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, घर के तमाम कागजात होते हैं, ज़रूरी कागजात होते हैं। घर की सुरक्षा के लिए किसे चुनेंगे? 4 या 5 फुट के दुबले पतले इंसान को, या 6 फुट के ताकतवर शख्स को? किसे चुनेंगे आप? तो फिर ये बात देश पे लागू क्यों नहीं होती? आपने मेहनत से पैसा कमाया है, ये देश बलिदानों से मिला है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर आज होते और उन्हें ये पता चलता कि किस तरीके से इस देश में लोकसभाएं भंग हो रही है और चुनाव में जाना पड़ रहा है, तो वो कहते, तुम मुझे पूर्ण बहुमत दो, मैं तुम्हें पूर्ण सुशासन दूंगा। ये आज का जागरूक युवा है, जो आज का मतदाता भी है, और जो आज देश के सामने चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनके सरोकार इन युवाओं से जुड़ते हैं। प्रशांत।